वेलकम टू एनिमे रैंक्स। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस क्रुसेडर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलेगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में पुलाइस अब्दुल के हाथों को भी निगल लेता, ईगी तो बड़बड़ के सांसें ले रहा था, जबकि पुनरिफ अब्दुल को अपनी आंखों के सामने मरता देख के उसके इमोशन उस पे भारी पड़ जाते, लेकिन इसके बावजूद भी वह उस पे यकीन करने से इनकार कर देता। बड़ी स्पीड से अपना स्टैंड को बाहर निकालता। इसी तरह पुनरिफ का स्टैंड कुलाइस के पीछे होता, जो देख के कुलाइस की भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे ना पता होता कि पुनरिफ का स्टैंड इतने अच्छे से वार कर पाता है। इसी दौरान सिल्वर चैरियट उस पे काफी ज्यादा वार करता है, जिनमें से एक लग भी जाता। तभी कुलाइस एंड मौके भी वहां से किसक लेता और गुस्से में किए गए हमलों की वजह से काफी कुछ टूट जाता। जबकि ये सारी थोड़-फोड़ की आवाजें दूसरी तरफ मिस्टर जोस्टार, काक्वीन और जोतरो तक पहुंच रही होती, जिस पर जोस्टार यही कहता, जब से हम उस जगह से बाहर निकले तब से मुसलसल ऐसी आवाजें आ रही है जैसे कहीं पे बैटल हो रहा हो। तो काकुइन कहता, कहीं पे मोहम्मद अब्दुल और पोनरिफ तो नहीं। इसी दौरान दोबारा से पोनरिफ की तरफ सीन शिफ्ट होता। पोनरिफ अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है, जो पता है वो अभी भी जिंदा है, वो जरूर अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके गायब हो गया है, क्योंकि डर के मारे हिल भी ना पा रहा होता। इसी में पोनरिफ मायूसी वाले चेहरे से दिले दिल में कहने लगता, अब्दुल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम आखिर कैसे अपना ही दिया हुआ नियम तोड़ सकते हो? तुमने हमें बताया था कि हमने अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। तुम झूठे आदमी, तुम तब से हर किसी के काम से काम रख रहे हो जब से हम इंडिया में दाखिल हुए हैं। ये बात को गिड़गिड़ाते हुए वो तुरंत से नीचे बैठता और उसके बैठते ही वो मौत को ढा करके बच जाता, जो देख के पुनरिफ दोबारा से दिली दिल में कहने लगता, जैसे कि तकदीर या कोई चीज मुझे बताना चाह रही है कि आगे बढ़ते रहो, या फिर ये अब्दुल ही है, अब्दुल ही मुझे बता रहा है कि लड़ते रहो। इन सब की बात देखते ही देखते कुलाइस का स्टैंड दोबारा से स्पेयर की शक्ल में पुनरिफ और इगी की तरफ बढ़ने लगता। फिर इस बार पहले की तरह इगी भी वहाँ पे खड़ा न रहता, बल्कि वो अपना स्टैंड निकाल के कुलाइस पे हमला करता, मगर ईगी का स्टैंड उसके सामने टिक ना पाता। तभी तुरंत से पोनरिफ ईगी समेत कुलाइस के रास्ते से हट जाता, जिसके बाद पोनरिफ और ईगी एक रूम में जाते, दरवाजे बंद करके कुछ चीजें आगे रख देते, दोबारा से वो दोनों भागना शुरू करते। इसी तरह कुलाइस का स्टैंड भी सब चीजों को उड़ाते हुए उनका पीछा दोबारा से करने लगता। पोनरिफ ईगी से कहता है, हम ऊपर जाएंगे, जबकि कुलाइस उनको मारने की कोशिशें जारी रखता। अब भागते भागते पोनरिफ को बाहर जाने का एक रास्ता मिलता, वही रास्ता जहाँ से ये आया होता, लेकिन पोनरिफ इसके बावजूद भी कहता, अब्दुल ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि उसे पता है कि हम दियो को जरूर हराएंगे। ना कि एक बुजदिल की तरह मैं अपनी कमर इस मामले में नहीं फिर सकता, मैं भाग रहा हूँ ताकि मैं दियो के करीब आ सकूं। ना कुछ सुनने के बाद ईगी में भी काफी जोश पैदा होता, वो दोनों उस एग्जिस्ट के काफी करीबी से मुड़ जाते और पास वाली स्टेयर से ऊपर जाने लगते। साथ ही साथ इसी दौरान हमें ये भी दिखाया जाता है कि कूला इस दरवाजे भी उनका पहले से इंतजार कर रहा था और अभी तक पोनरिफ के हमले की वजह से उसका खून निकला होता, जिस पे कुलाइस कहता है, जब भी मौत काफी करीब हो ऐसे मौके पे पोनरिफ काफी अच्छा लड़ता है, पर इसके बावजूद भी वो मेरे स्टैंड के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है पोनरिफ अपने दिली दिल में कहने लगता, अगर जो उसने कहा वो सच है तो उसके दांतों के पीछे एक ना खत्म होने वाली डिमेंशन है, जिसके इस्तेमाल से वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा सकता है, तो फिर मैं उससे कैसे हराऊं? अब यूं ही भागते भागते दोबारा से वो दोनों एकदम से रुक जाते कि आगे वो कुलाइस का निशान पाते, इसका मतलब वो नीचे से पहले से ही ऊपर आ चुका है। तो पोनरिफ ईगी से कहता है, तुम मेरी पीठ की हिफाजत करो और मैं तुम्हारी। अब पोनरिफ इस मौके की तलाश में, जैसे ही वो अपनी डिमेंशन से बाहर निकलेगा तो तुरंत से उस पे अपना कातिलाना वार कर दूंगा। इसी में थोड़ा वक्त गुजर जाता। अब जब पोनरिफ अपने पैरों तले देखता है, कुलाइस का स्टैंड दिखता, जिसपे पोनरिफ उसे कुछ बड़ा करने के लिए वक्त न देता और तुरंत से अपने सिल्वर चैरियट से वार करता, लेकिन उतने में वो पोनरिफ का आगे से पैर डिमेंशन का इस्तेमाल करके कट कर देता। इसपे वो स्टैंड बाहर आके कहता है, अब तुम भाग भी नहीं सकते। इसके करीब आते ही पोनरिफ दोबारा से सिल्वर चैरियट का इस्तेमाल करता, कुलाइस दोबारा से अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके गायब हो जाता, क्योंकि पोनरिफ हवा में ही तीर चलाए जा रहा होता, इसकी वजह से पूरी मेंशन इस तरह से
हिल रही होती जैसे जलसला आया हो। जो सुन के जोसेफ जोस्टार और बाकी के लोग भी इसी आवाज की तरफ बढ़ने लगते। इसी में दोबारा से सीन शिफ्ट होता जिसपे कूलाइस कहता है, इन सारी थोर पोर का इस्तेमाल करके तुम कहीं छुप गए हो, अरे जख्म से तुम आखिर कहाँ तक भाग सकते हो। लेकिन उतने में दियो वहाँ पे खुद ही चल के आ जाता। दियो को यहाँ देख के कूलाइस अपने कदम झुका देता और दियो से कहने लगता, वो पुनरिफ आसपास ही कहीं पे छुपा है, लेकिन असल में ये इगी की स्टैंड की एबिलिटी है। अब इस पे पुनरिफ दिली दिल में कहने लगता, पीछे से हमला करना एक बुजदिली है, मगर तुमने भी तो अब्दुल के पीछे से हमला किया। इसी दौरान इगी उस पे हमला करता, अगर एन मौके पे ही कूलाइस भी अपना दिफा करने में कामयाब हो जाता। कूलाइस इस पे बोलता है, इस वक्त सूरज की रोशनी मैशन के अंदर आ रही है जबकि लॉर्ड दियो कभी भी दिन के वक्त इस कमरे में नहीं आते। यूं ही कूलाइस दोबारा से अपने स्टैंड का इस्तेमाल कर उन पे हमला करना शुरू कर देता। पीछे देख के भागते भागते इगी जमीन पे गिर जाता। अब उसे काफी गुस्सा होता, चलो फेक ही सही, लेकिन जैसे कि उसने दियो पे हमला किया, अभी कूलाइस अपने स्टैंड के बजाय अपने पंच का इस्तेमाल करता, जो देख के पुनरिफ भी काफी हैरान होता। इसी तरह वो इगी के पास जाके उसे तरपा तरपा के मारना शुरू करता, जबकि पुनरिफ भी अपने जख्म के मारे जमीन पे होता। कैसे न कैसे करके पुनरिफ दोबारा से सिल्वर चैलेंज पे उस पे हमला करता, जिसे वो डॉच करके दोबारा से गायब हो जाता। अब पुनरिफ इगी से कहता है, तुम्हारी मिट्टी ने हमें बचा लिया। अब वो इगी की गिरी हुई मिट्टी को उड़ाने लगता, नहीं उड़ाता के पूरा का पूरा कमरा मिट्टी से भर जाता, ये वजह से वो भी उड़ते हुए दिखाई देने लगता। फिर पुनरिफ बोलता, तुम चल रहे होते हो तो तुम्हारे रास्ते में हर आने वाली चीज को तुम्हारा स्टैंड एब्जॉर्ब कर लेता है, ये वजह से तुम्हारा स्टैंड अब इसे भी एब्सॉर्ब कर रहा है। जैसे ही उसका स्टैंड बाहर आता तो वो सिल्वर चैरेट को अपने सामने पाता। सिल्वर चैरेट उसके मुंह पे ही एक दमदार वार करता जो कि उसे लग भी जाता है। इस पे पोनरिफ कहता है, जब भी तुम मुझ पे वार करने लगते हो तो तुम्हें बाहर आना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी कूलाइस देखते ही देखते पोनरिफ पे बारी पड़ने लगता, जो देख के पुनरिफ को समझ में ना आती कि इसके बावजूद भी ये कैसे जिंदा है। मैंने तुम्हारी गर्दन और तुम्हारे दिमाग पे वार किया है, बहरहाल जो भी तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। इसी तरह कूलाइस अब पुनरिफ के स्टैंड का हाथ भी पकड़ लेता। फिर वो कहता है, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, जो कि मेरा मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी रूह को तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक मैं तुम सबको मार ना दूं। वो पुनरिफ का हाथ डिसलोकेट कर देता, यहाँ तक वो उसे अपनी डोमेशन में दिखने की कोशिश भी करता, जिस पे पुनरिफ भी हार ना मानता। मगर इसके बावजूद भी पुनरिफ की दो उंगलियां उसकी डोमेशन की वजह से कट जाती, तो एन मौके पे तभी पुनरिफ उस पे दोबारा से हमला करने लगता। चाहे उसका हमला कितना मर्जी दमदार होता, कूलाइस अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसके वार को रोक लेता, जबकि पुनरिफ का ब्लेड कूलाइस के हाथ के आर पार हुआ होता। और कूलाइस कहने लगता, इसी हाथ का इस्तेमाल करके तुमने मुझ पे कातलाना हमला किया था। ये कहते ही कूलाइस पुनरिफ के हाथ पे लगातार वार करने लगता। ससल हमलों के बाद पुनरिफ कैसे न कैसे करके अपने आप को छुड़ा लेता और वार के लिए जब दोबारा आगे बढ़ता तो कूलाइस फिर से देखते ही देखते गायब हो जाता। इसी लम्बे से कूलाइस फायदा उठाते हुए तुरंत से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस पे वार कर देता। पुनरिफ को भी काफी दर्द हो रही होती, लेकिन पुनरिफ भी यही कहता, अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं दर्द के बारे में भी सोचूं, आखिर मैं कितना करीब था पे कातलाना हमला करने के लिए। जो कि ये बंदर डिफरेंट है, इसमें बदले की आग है, और ना कि सिर्फ ये पागल है बल्कि ये दियो का हद से बढ़ के वफादार भी है। जो भी, इन सब के बावजूद भी मैं इसे खुद पे भारी नहीं पड़ने दूंगा, तब तक नहीं मर सकता जब तक मैं इससे ना मार डालूं। इसी तरह पुनरिफ दोबारा से अपने स्टैंड का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी को उड़ा देता, ये वजह से कूलाइस दोबारा से दिखने लगता, मगर वो इसमें जैसे ही वार करने लगता है उसकी सोट समेत पीछे वाली दीवार तक तोड़ देता। ये देख के पुनरिफ कहने लगता, जब तक वो अपनी डिमेंशन में है तो तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखते ही देखते कूलाइस अटैक करना शुरू कर देता। जब तक कूलाइस अपने स्टैंड से बाहर नहीं आता तब तक वो पुनरिफ को नहीं देख सकता। इसी में पुनरिफ बड़ी करीबी से उसका वार डॉच करता। ये सब कुछ देख के पुनरिफ सिल्वर चैरेट समेत इगी को अपने पास ले आता, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो तब खड़ा होता कूलाइस पूरे रूम के गोल गोल चक्कर लगाने लगता। इसी में हर आने वाली चीज को एब्सॉर्ब करता चला जा रहा होता। धीरे धीरे वो पूरे रूम के चक्कर लगाएगा, जैसे कि इस वक्त पुनरिफ तकरीबन इस रूम के बीच में, जो देख के पुनरिफ के भी पैर तले जमीन खिसक जाती है। देख के पुनरिफ को समझ में आता ये सब कुछ तो उसने प्लान कर रखा है। पुनरिफ के पांव की जख्म की वजह से वो उसके वार से बच नहीं पाएगा, वो इसी तरह घूमते घूमते रूम के बीच में ही आएगा, तब तक जब तक वो पुनरिफ को डिमेंशन में अब्सॉर्ब नहीं कर लेता। वजह से पुनरिफ अपनी टूटी हुई सोट से जमीन में सुराख करने लगता ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन तब तक वो पुनरिफ के बिल्कुल सामने होता। इस पे पुनरिफ उससे डॉच करते हुए और भी मिडल में हो जाता। इसके बाद वो मिडल में भी आएगा, जो देखिए पुनरिफ कहता है शायद 5 लैब लगे उसे मिडल तक पहुँचने में। पुनरिफ सोच रहा था कि वो क्या करे, इसी तरह वो ये भी सोच रहा था कि उसके दोस्त बिल्कुल एक एनिमी की हीरो की तरह कि उसे बचा ले, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग भी
शायद कहीं ना कहीं पे लड़ रहे होंगे। इसी को सोचते हुए वो अपने सिल्वर चैरेट का इस्तेमाल करते हुए रिकी को तो साइड पर कर देता है जहाँ से वो घूम चुका है। फिर वो अपने सिल्वर चैरेट का इस्तेमाल करके अपने आप को भी बीच में से घसीट के दूसरी ओर करना चाह रहा था, लेकिन सिल्वर चैरेट में अब इतनी ताकत ना बची होती जबकि वो घूमता घूमता बिल्कुल पोनारिफ के सामने होता। तुरंत से वो सिल्वर चैरेट का हाथ छोड़ देता और उसे डॉच कर लेता। अब बस सिर्फ दो तीन और लैप रह गए हैं। ये सब कुछ देख के पोनारिफ हार मान लेता और बस वहीं पे लेट जाता। ये सब कुछ ईगी देख रहा होता और जख्मी होने के बावजूद भी कैसे न कैसे करके अपने स्टैंड को बाहर बुलाता। जोते की पुनरिफ कहता है, स्टूपिड वहीं पे पड़े रहो, अगर तुमने ज्यादा हरकत की या फिर अपने स्टैंड का मजीद इस्तेमाल किया तो तुम्हारी टूटी हुई रिब्स तुम्हारे लंग्स की गहराइयों में चली जाएगी और इसके कारण तुम मर जाओगे। यही वजह से वो बस बेल्डी अपने स्टैंड को समन कर पा रहा होता। पोनारिफ कहता, मैं तुम्हें बचाऊंगा ना कि तुम, तो जियो ताकि मिस्टर जोस्टार और बाकी को बता सको इसके बारे में। इन्हीं बातों में वो पोनारिफ के बड़ी करीबी से दोबारा से आगे से गुजरता। अब पोनारिफ कहता, बस फाइनल राउंड। इसी तरह पोनारिफ के आखिरी अल्फाज होने को जा रहे होते। मेरे ख्याल में वो मुझसे ज्यादा जीत को चाहता था। इसी तरह वो ईगी को गुड बाय कह देता। अब देखते ही देखते वो पोनारिफ को निकल लेता। ईगी बस पोनारिफ की ईयर रिंग खो पाता। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी रैंक्स को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।